गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम पता कहाँ जा रहे हैं? मामा के साथ आज जा रहे हैं हम वहाँ अतरंजी खेड़ा, जहाँ दुनिया का सबसे पुराना लोहा पाया गया था भाई। और वहाँ मतलब महल था, वो गिर गया पूरा। मेरे को स्टोरी नहीं पता यार इतनी, ठीक है मैंने भी सुनी है, तो जिससे सुनी है उसी से तुम्हें भी सुनवा दूंगा, ठीक है? क्या क्या सिस्टम था वहाँ उस वाली जगह का। तो मामा अभी तैयार नहा दोगे, अब मैं जा रहा हूँ नहाने, वैसे ही चलते हैं। और दो तीन बंदे और हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा, ठीक है? उन्हें देख रखा होगा तुमने पिछले ब्लॉग में, तो सारे बंदे मिलेंगे अभी, दिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा वहाँ पे क्या हुआ था अतरंजी खेड़े पे, और दिखाऊंगा अभी, ठीक है? चलो नहा के आता हूँ मैं, ट्रांजिशन देखना। 1 2 3 नहा के मिलता हूँ। ले भाई नहा दो के ऑल सेट। और मामा, अरे मामा इधर आओ यार, तू जब रहा है ठीक है भाई। तो अभी चल रहे हैं नहा दो के ऑल सेट, अब चलते हैं, निकलते हैं, बंदे आ रहे हैं तो उन्हें भी दिखवाऊंगा तुम्हें। मामा कह रहे हैं आप ले ले यार ब्लॉग में, तो ये श्रेष्ठ। चलो 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 भाई चल रहे हैं अब, ठीक है? ले भाई स्प्लेंडर, मामा ऑल सेट। भाई सीधा मिलता हूँ मैं दादी के घर, क्योंकि दादी के घर से ही जाएंगे अतरंजी खेड़ा। तो वहाँ से दो बंदे और चल रहे हैं, मतलब मेरा भाई और एक और है डेयरी वाला, जो तुमने देखा होगा पहले। तो सीधा वहाँ मिलता हूँ, ठीक है? बाय। लो भाई घर पहुंच गए भाई सीधा, और ये लो मिलिए सोनू भाई से, मामा से, और दो बंदे और आ रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं, ठीक है? सोनू भाई, भाई अतरंजी खेड़ा जा रहे हैं घूमने के लिए। अच्छा, और वहाँ से फिर देखते हैं फिर कहाँ जाएंगे। एक मंदिर और बताया है, उस मंदिर पे भी जाएंगे घूमने। मैं तो बोल रहा हूँ एक मनसा देवी का मंदिर और है हमारे यहाँ, फेमस है, काफी ज्यादा फेमस है। और वहाँ पे कहते हैं वो देवी थी, जो लड़की थी वो आधी पत्थर की हो चुकी है, और आधा जो अपन लोगों का जो ऐसा शरीर है ना वैसा शरीर है। अच्छा, और चलो वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, वहाँ पे घूमने चलेंगे। कितनी दूर है वो? अपने अतरंजी खेड़ा से लगभग थोड़ा ही दूर पड़ेगा, अगर देखते हैं वहाँ भी चलेंगे। वैसे तो टाइम की मेन बात है, टाइम के अंदर भी चलते हैं। 5:05 कहाँ बताओ कहाँ जाने का इरादा आपका? अतरंजी खेड़ा और मनसा देवी। मनसा देवी सर ये नहीं पता भाई, वही मनसा देवी। ओले मावा तो बुरपो अम्मा, ब्रो ब्रो भी आ गए ब्रो। अवनीश भाई, चलो चल अवनीश भाई को तो ब्लॉग में लेंगे। खोल दिए, बोलो जाओ, जय हो गौ माता की। अरे ऐसे ही आते हैं हमारे तो, कृष्ण जी चल के आते हैं हमारे यहाँ, देख लो पियो आराम से। हैं यहाँ पे भाई ये होती है पैंट, ये कौन कौन से दिन लगती है यहाँ पे पैंट? यहाँ पर पैंट लगती है, आज का दिन है? आज का है, आज सोमवार है। सोमवार को और शनिवार को लगती है। सोमवार और शनिवार को, यहाँ सोमवार और शनिवार को पैंट लगती है। सब्जी मंडी नहीं है ये दिल्ली की तरह। और डीजल देख लो बिंदास यहीं खड़ा है ऐसे, एक टैंक ठीक है, ये साइकिल से चलाओ और डीजल निकाल लो, ठीक है? सोनू भाई कह रहे हैं मोमोज तल रहे हैं यार, बाकी वीडियो तो बना लियो। सोनू भाई का तिलक, भक्त है हनुमान जी के, करो तेरी। हाँ देख लो, हमने बताया तो अभी यहाँ जा रहे हैं ना अतरंजी खेड़ा, उसकी कहानी अवनीश भाई बताएंगे शांति में, वहाँ पे ही खड़े हो गए, ठीक है? तो अभी सब बताऊँगा कह रहा हूँ, बताऊँगा इन्हीं से, इन्हीं के मुँह से ही, ठीक है? बुलाए हल्के में लहरा दी क्या तू? बुलाए भाई, फाइनली अतरंजी खेड़ा इज हियर। शिट भाई शिट यार, बंदे इतनी सही जगह आके भी क्या करते हैं यार। ये देख लो भाई, ये है। अब ये बताओ कितने एरिया में है ये, तुम्हें पता है? तुझे मालूम है? नहीं मुझे ना मालूम है ना, तो फिर हम तुम तो काय के लिए पूछते। 4000 मीटर जागी लंबाई है। 4000 मीटर जी लंबाई जी। मतलब इतने में है ये, यहाँ से लेके जी लंबाई है कि चौड़ाई जी गई। अच्छा, ओरो तेरी, हट जाओ सांट। हाँ है अजान, अरे तुम बताओ ना, ले एक और आई गई, बताओ बताओ जल्दी बताओ। इतने आओ यार, सूरज पड़ रहा है मुँह पे। हाँ चलो बताओ, ये बाइक जान दो पहले। मैं कह रहा हूँ भाई अभी थोड़ा पार्टी वार्टी कर लेते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा खाना और वो कर लें और भाई से मिलो। भाई यार इधर आओ यार तुम, भाई कह रहे हैं मुझको व्लॉग मिलो, अब कुछ बोलो। है पसीना बहुत आ रहा, देख रहे हो गर्मी कितनी पड़ रही है। भाई को सूरज दिखाना भैया, जरा दिख रहा है ना ये देखो भाई। मैं इस व्लॉग में कुछ नहीं बोलूंगा, भाई बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे, भाई का पसीना निकल रहा है बेंचो यहाँ पे। कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है भाई। देखो ये देखो हमारी पार्टी की तैयारी हो रही है मामा के
अभी थोड़ा खाएंगे पिएंगे, ठीक है भाई, खाएंगे पिएंगे। देखो जो हम आपको ना गुफा दिखाएंगे अतरंजी के गड़ा पे, वो देखो वो दिखा रहे हैं वो पीछे भाई कैमरा पे, ये देखो ये गाड़ी खड़ी है वो सामने, आपको गाड़ी दिख रही है ना, इसी के आगे आगे थोड़ा जाके गुफा है, गुफा में वो कहते हैं कि उसमें देवी की मूर्ति रखी हुई है, एक वहाँ पे एक सांप और रहता है। अच्छा, ये वाला, हाँ समझ गए, ये वाला सांप रहता है। और कहते हैं अगर वहाँ पे कोई पूरे दिन मेहनत करे ना तो उसके पूरे दिन की मेहनत आना निकल आता है। अच्छा, कुछ भी इधर से उधर पत्थर वगैरह इधर से उधर करते रहो तो वो एक दिन। भाई जानकारी तो मैं अभी सब दूंगा अवनीश भाई से, ठीक है, अवनीश भाई को सब पता है अभी, जैसे उन्होंने बता दिया कि कितने एरिया में फैला हुआ है, ये पहले महल था ये गिर गया, ठीक है, और यहाँ एक मड़ी भी है, मड़ी भी बताएंगे कैसे प्रकार की है, और जो बैग टंगा है इस बैग में फोटो शूट वाला कैमरा है भाई। हाँ जी भाई, हाँ तो ये और हंटर भाई के जलवे ठीक है, अभी भाई सोटो सूटेगा, अभी कहाँ गाँव खाएगा वो सिस्टम, चलो नीचे सीरक में बैठेंगे, आज उठा ले सोन, आ जाओ, स्लो मोशन की तैयारी है ले करी भैया, यहाँ तो तेरी रजनीकांत, आई एम रजनीकांत है, स्नैपचैट जिंदाबाद है भाई साहब, ये देख लो, चलो आओ यार, ये गलत काम यार हर जगह होते हैं यार तुम्हारे यार चलो देखो कहाँ जा रहे हैं, पूरे एरिया में केवल वहीं नल का है और कहीं नहीं है, और तेरी जबरा छा तो कर रो ही चल रहा है, अरे जो डोकर का करना है डोकर ही है, पूरे तेरी ड्रोला लग रही है भाई भयंकर यार, ये गरम गरम चीज़ और खा ली तो और लग रही है, अभी अवनीश भाई से कहानी बताता हूँ यहाँ की क्या है, मज़ा आएगा देखो तुम्हें सुनने में, भी बताता हूँ अवनीश भाई आ गए ये रे, अब अवनीश भाई बताएंगे सब टोटल कहानी, और इतने आओ ना धूप पड़ाई, हाँ इतने इतना ही सही है, जहाँ की सही सही कहानी बतानी है टोटल ए से लेके जेड तक, ऐसी यहाँ पे भाई गाने की शूट भी हुआ है, कौन से गाने का शूट हुआ है यहाँ पर, गाने का शूट हुआ था जिला इटा का नाम ही काफी है, ले भाई ले तो फिर, हाँ बताओ जहाँ की कहानी, और यहाँ पर राजा बैन का शासन था। अच्छा स्टार्टिंग से बता रहे हो, राजा बैन यहाँ पर रहा करता था, हाँ और उसी का शासन था, और उसने राजा बैन ने मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया था एक बार। अच्छा हाँ, जो कब की बात है ये तो बात है, इससे क्या बोलते हैं 1962-1961 के बीच की बात है, पुरानी बात है, यहाँ पर राजा बैन रहा करता था और उसकी पत्नी, सामने जो आपको काली नदी दिख रही है ना, हाँ ये काली नदी ये वाली दिख रही है, उसमें वो बैठकर अपने पीपल के पत्ते पर बैठती थी, उस पर स्नान करती थी बिना मेकअप के। अच्छा, बिना श्रृंगार किए उस पर स्नान करती थी, और बताया जाता है कि अगर वो श्रृंगार करके उस पर बैठती तो वो डूब जाती। अच्छा हाँ, और ऐसा ही उसने किया, मना करने के बाद भी वो उस बिना वो श्रृंगार किए हुए उस पर, मतलब श्रृंगार करके बैठ गई, उसने स्नान करना स्टार्ट कर दिया, उसी में डूब गई, तभी से इसे किला पलट गया था। अच्छा, ये डूब गया किला, तभी ये पलट गया, तभी से इसका खंडर में, मतलब अच्छा ये हो गया भाई खंडर, ये देखो कैसा हो गया ये। अच्छा हाँ, फिर और इस पर बताया जाता है आप सुबह से लेकर शाम तक घूमो तो आपको इस पर कुछ ना कुछ हासिल होता है। अच्छा जी, और इस पर ये भी बताया जाता है कि आप जगह जगह पर ये पत्थरों के टुकड़े एकत्रित दिख रहे हैं ना आपको, ये सामने इधर दिखाओ कैमरा, ये वो दिख रहे हैं, ऐसा आप इकट्ठा करके जाओ, आप उस पर कोई मन्नत बोल के जाओ तो वो आपकी मन्नत पूरी होती है। अच्छा जी, और कहा वो लंका बन रहा, ये भी बताया जाता है कि राजा बैन यहाँ से अपनी चाहते तो वो लंका तोड़ देते थे। अच्छा, चाहते तो, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, नहीं किया। और आपको राजा बैन की गुफा भी है यहाँ पर, यहाँ पे भाई आगे गुफा है जो मैंने पहले बताया, तो मैं उस साइड आ गया, आपको उसमें गुफा भी दिखाई जाएगी, गुफा वो ऐसी थी, अब उसका दरवाजा बंद कर दिया है, बताया जाता है कि उसमें आदमी चला जाता था अंदर तो वापस नहीं आता लौट के वो। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या क्या दबा हुआ है ऐसा, यहाँ पर उसका, यहाँ पर एक पत्थरी बताई जाती है, उस पत्थरी को लेकर उसके बारे में निकालने के लिए उसकी 7 साल तक तो खुदाई की, पर वो किसी के हाथ नहीं लगी, 7 साल खुदाई चली है यहाँ। और वो पत्थरी ऐसी थी, किसी सोने पर लगा, वो किसी लोहा पर लगा दो तो वो सोने में परिवर्तित हो जाता है। खोदने के लिए बहुत दूर दूर से अंग्रेज भी आए थे और बाहर से विदेश भी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। वो आए थे, वो क्या, वो अपनी क्या बोलते, उन्हें क्या कहते हैं भाई, वो खोदने वोदने आते हैं, उन्हें मेरे को पता नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ मुझे पता नहीं है उनसे क्या बोलते हैं, वो अपनी ऐसे दूरबीन लगा के देख लेते थे यहाँ पर है वो, तो उसे उसी जगह पर खोदते तो वो अपनी दूसरी, अपने आप वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है भाई, अपने आप चली जाती थी, कर रही सिस्टम है उसका, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। अरे यार, यहाँ पे ऐसी मड़ी है, उसे कोई भी लोहा उससे टच करो वो सोना बदल जाता है यार, कर रही है यार
लंबाई यानी बताई जाती है 4000 मीटर है, लंबाई 4000 मीटर है, चौड़ाई 1500 मीटर है, और 1500 मीटर है भाई, 80-90 फुट ऊपर यानी ऊंचा होगा ये। अच्छा 80-90 फुट ऊंचा जी इसकी ऊंचाई। मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई यहाँ? भाई मजे आ रहे हैं, देखो वहाँ से आ रहा हूँ और चढ़ते चढ़ते वहाँ क्या है दरगाह है शायद। हाँ वहाँ दरगाह है, दरगाह है वो सामने, वहाँ से थोड़ा मौसम और कर रहा हो जाए। वहाँ नल लगा हुआ है, वहाँ से नल से पानी लेकर आए भाई, और ये देख रहे हो आप चढ़ाई चढ़ाई और थोड़ा मौसम और कर रहा हो जाए तो मजा आ जाए ना। एक दिन की मजदूरी का ये देखो, ये भाई ऐसे हैं, यहाँ पे मैप बना लेते हैं। यहाँ पे पता है राजा ने बहुत अपनी चीज़ें जो है सोना वोना कुछ भी दबा रखे हैं यहाँ पे, तो भाई मैप बनाते हैं कि ये राजा कहाँ दबा सकता है। जिला एटा में स्थित मतलब गांव से 30 मील की दूरी पर है एटा जिला से। यहाँ पे क्या है भोपाल पूरे गए। ये देखो भाई दीवार किस चीज़ की है, किला की दीवार है भाई, ये उखड़ जाएगी, ये तो उखड़ जाएगी, हिल रही है, ये देखो ना हिल रही है, ये किला की दीवार है, ये देखो ये जा रही है। हाँ हाँ वो है, ये हमारे कुणाल भाई देखो कैमरा निकाल रहे हैं फोटो शूट के लिए पूरे है वो। हाँ ये देखो भाई ये कैमरा हुआ है, ये भाई देखो ये है हमारा निकॉन का D7500 DSLR DSLR है वो, ये तेरी वाइड एंगल सब है भोरे भाई एंटर भाई। ये भाई देखो फोटो शूट हो रहा है, ये भाई का फोटो शूट हो रहा है, हंटर भाई बोलते हैं इन्हें, ये भाई हमारे हंटर भाई हैं ये। तो भाई फोटो दिखाओ हंटर भाई की इसमें, ये देखो हंटर भाई, ये देखो अरे कहाँ ये भाई हंटर भाई सिस्टम, हंटर भाई की फोटो जहर। अभी वो थोड़ा एक्सपोजर थोड़ा हाई वाई हो रहा है, वो स्कूटी जा रही है पापा की भरी, अभी एक्सपोजर इसका हाई वाई है, और ये चिप विप डाल दिया इसमें, ये देखो भाई ये चिप डाल रहा हूँ, ये गई सू और ये लग गया सू 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 करके लगते है उरोत्री आए झटके भाई। जो फोटो की नेक्स्ट, अच्छा तीनों को ले भैया, हंटर भाई की फोटो आज तक जल रही है, पिनक हो गई है अब तो बढ़िया तरह से एकदम बिल्कुल। वही यार डांस तो कर दे पुनीत सुपरस्टार वाओ बेटे। अच्छा ये वो है लेवल का, ये बन रही है नहीं बन रही है अभी देखूंगा। अच्छा बन रही है अरे ना वो देखो जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितना जूम जाएगा इसमें दिखा, ओ भाई अभी और जूम होगा भाई, थोड़ा निकल रहा है वो पीछे आगे से निकल गया, वो जूम वाला सिस्टम निकल रहा है ना इसमें, ओ भाई देखो ये देखो अवनीश भाई के तो क्या ही कहने, ओरे तेरी यार हम ही रहेगा यार, बस हम ब्लॉग में आ रहे हैं गाइस, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी जो भी जितना भी सस्ता इस जगह का वो अवनीश भाई ने सब बता दिया तुमको, मतलब क्या हुआ था यहाँ पे क्या नहीं हुआ था, लेकिन यार वो जो चीज़ है ना जो गड़ी हुई है यहाँ वो कोई नहीं ढूंढ पाया यार 7 साल, पता नहीं बाहर बाहर ब्रिटिश पता नहीं कहाँ कहाँ से बंदे आए थे, उन्हें पता नहीं क्या कहते हैं जो खोदने होते हैं, जिनका खोदने का काम होता है वो भी साइंटिस्ट ही होते हैं, पता नहीं किस चीज़ के तेरी ठीक है, तो वो पता नहीं किस चीज़ के साइंटिस्ट होते हैं, तो वो आए थे लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला यार। यहाँ जगह देख लो ना कितनी है भाई, ना कितनी थी भाई जगह, मैं तो भूल गया यार कितनी थी जगह, ये 4000 मीटर लंबाई 1500 मीटर चौड़ाई, बताओ कहाँ ढूंढ लेगा, तो गहराई कितनी है इसकी, गहराई 48-52 फुट बहुत ज्यादा कोई पता नहीं है। अच्छा ऐसे मतलब गहराई तो पता नहीं है, गहराई पता ही नहीं है मतलब कुल मिला के। अच्छा अच्छा कुल मिला के पता ही नहीं है अभी, उरो तेरी चलते हैं भाई, अब ग्रैंड व्रैंड है वहाँ, आज 7:15 बज रहे हैं भाई, तो कह रहा हमारे टाइम से पहुँचना सही नहीं लगा तो यार। हाँ भाई यहाँ से दूर है थोड़ा, मोटरसाइकिल है ठीक है यार। तो चलते हैं भाई, थोड़ा 7 बजे गए पहुँच ही जाएंगे, 7:15 तक पहुँचना है भाई घर, तो चलते हैं 7:15 हो रहे हैं सॉरी। चलो ठीक है, और फील ठीक है भाई, तुम्हारे फोटो एक से खींच गए भाई, मानना पड़ेगा, देखो खींचे ही जा रहे हैं। हमारे फोटो दे दो, इनके फोटो भेजो भाई, फोटो भेजो इधर, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे क्वालिटी कम है यार, नहीं डॉक्यूमेंट बना के भेजूंगा।
यहाँ पे ये देख लो क्या है, बुद्धिस्ट पिलग्रिम स्टेट अतरंजी खेड़ा। यहाँ पे क्या हुआ था भाई बताओ, पहले यहाँ है क्या ये बताओ पहले भाई। यहाँ पे बौद्ध भगवान, बौद्ध मठ है, यहाँ बौद्ध भगवान आए हुए थे, बौद्ध भगवान आए हुए थे एक टाइम पे, किसी भी टाइम आए हो बौद्ध भगवान आए, यहाँ बैरंजा है बौद्ध भगवान के नाम से, यहाँ सवाएं होती हैं। और यहाँ है क्या क्या ये तो बताओ, पांच पांच है, यहाँ पे पांच शिवलिंग, पांच शिवलिंग है इसी जगह है। अच्छा चलो आओ अंदर चल भाई, एंट्री एंट्री होगी यहाँ पे, कोई फीस वीस नहीं लगती एंट्री की, यहाँ पे विजिटिंग प्लेस है, क्या समझते हो आप, बालक जा रहे हैं देखो घूमने। हाँ हाँ भाई एक शिवलिंग, जय हो भोले बाबा की, आज सोमवार वैसी है, मामा भक्त हैं बहुत बड़े भोले बाबा के, जय एक शिवलिंग और आगे चल रहे हैं अभी बौद्ध भगवान, जय हो। देख लो भाई पूरा पढ़ लो ये, अरे यार विजिटिंग बेस्ट विजिटिंग प्लेस, क्यों भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ पहले, एकदम सामने भाई वो रही दूसरी शिवलिंग, ठीक है तीसरी पाँच है यहाँ पे पूरी शिवलिंग, देख लो भाई जय भोले बाबा नंदी महाराज की, जय हो। अंदर होंगी एक शिवलिंग, एक अंदर शिवलिंग है ये देख लो, जय हो। एक और होगी कहीं, पांचवी कहाँ है, एक दो तीन और एक अंदर चार, पांचवी कहाँ है, चार ही होंगी, पीछे पीछे होगी कहीं, मजा आ गया वनीस भाई हैं। हाँ भाई यार पांच शिवलिंग थी यार, चार ही दिखी, ठीक है अभी पांचवी भी होगी कहीं, पीछे मंदिर है उसमें कहीं होगी, अभी भाई लेट हो रहे हैं यार, ठीक है अभी 7:30 बजने वाले हैं, ठीक है अभी टाइम नहीं है। ये देख लो भाई ये क्या है, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अच्छा सिंबल ऑफ अशोका नहीं मिलेगी, अब बताओ अंकल बताएंगे जानकारी, आ जाओ बैठो, नहीं लेट हो रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहाँ जाओगे, जाना तो है वहाँ पे निधौली रोड, निधौली रोड दिल्ली भी निकलना है फिर रात में, इसलिए आए तो एटा से ही है, अभी दिल्ली जाना है, जानकारी बताओ यहाँ की थोड़ी। अच्छा अच्छा गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, तट चैत्य अशोक के जमाने में ये जो चार चैत्य जो होने लगी है, एक वो एक बागे मंदिर में है, कितनी है टोटल, चार चार हैं, 84,000 चैत्य बनवाए अशोक ने, उनमें चार ये हैं यहाँ पर बने। अच्छा अच्छा वो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है ये, सब कुछ वो तो तो ये बैरंजा, बैरंजा का मतलब होता है बेरंज। अच्छा बेरंज, हाँ अच्छा कोई रंज नहीं हुआ वो कोई दुखना, समय भगवान बुद्ध यहाँ आए हुए थे बरसात के लिए, अच्छा। तो हम महाकाल पड़ा हुआ था, अच्छा सूखा था यहाँ बहुत बहुत, बानी बरसात कब से, तो यहाँ लोग बहुत दुखी हो गए थे, पहले कोई साधन थे नहीं, तो आदमी फसल बस यहाँ पर 12वां बरसात किया, तो यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, यहाँ जो आपकी पूरी व्यवस्था कर पाऊँ, ले यहाँ घोड़ों के लिए मैं चारा लाया, बाबा जी कह रहे हैं बहुत लंबी कहानी है और हम पे थोड़ा टाइम नहीं है तो थोड़ा शॉर्ट में ही समझ लिए, ठीक है। और बाकी अंकल जी कह रहे हैं एक हम तुम्हें वो दिखा देते हैं, ठीक है आगे इसको खींचोगे आप, अच्छा अमर के देख के, ये बहुत भगवान की मूर्ति है, राजा अशोक ने लगवाए ये, हाँ राजा अशोक ने लगवाए, चार स्तंभ हैं, अच्छा स्तूप कह देते हैं, स्तूप नहीं है स्तंभ हैं, अच्छा हाँ ये स्तंभ हैं, राजा अशोक ने लगवाए, यहाँ 12 माह वर्षा वास किया बुद्ध भगवान, अच्छा और सब ने जानकारी दे दी, अब चलते हैं सीधा भाई, 7:30 बज गए भाई, अरे भाई चलो भाई पूरी पॉम आए तो कैमरा लेके, ठीक है चलो भाई लेट हो गए, अभी हैं बैठे हुए हैं, जानकारी है नहीं पूरी पूरी, मामा से मिलिए, घूम के आए ना, क्या आधा मामा आप तो चिकना चिकन चेहरा कर लिया है, वो शर्ट बता रहे भैया है कोई पप्पर भाई, पूरी पप्पर भाई भाई वहाँ से घूम घूम के आ गए, आँख में कीड़े लग गए बहुत हैं भाई, ये तो पीछे बैठे ना तो लगे ही नहीं, मामा की शर्ट है यहाँ पे, मामा की शर्ट लेने आए हैं,
घर से ही करके लाए हो कि यहीं करी है शर्ट? लाओ ना फिर, इतना टाइम काहे के लिए लगाया? प्रेस मार रहे हैं, प्रेस मार रहे हैं। अच्छा लो भाई, भाई भाई आ गए। मेरे फोन में तो भाई फोटो डलेंगे नहीं, मेरी तो भाई लाइटनिंग केबल है, मामा के में डल रहे हैं सी टाइप में। ओ मामा सब आए फोटो, अब तो लगाते रहो एक महीना तक। अब भाई की एडिटिंग चलेगी, दो दो मिक्स, दो दो सेशन यहाँ पे एडिटिंग चलेगी भाई। वो जो जागरण वाला तुमने देखा था ना अपना व्लॉग, तो उसकी कैसेट बनेगी अभी यहाँ पे। व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।